सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पांकी थाना क्षेत्र के केकरगढ़ गांव निवासी व जंगल बचाव समिति सदस्य चंचल यादव डाल्टनगंज स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसके परिजनों ने न्याय के लिए फरियाद लगाई है। बताया जाता है कि तीन पुत्री और एक पुत्र के पिता चंचल को अपनी ड्यूटी निभाने का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसने करीब दो माह पूर्व जंगल से बेशकीमती लकड़ी लदे एक ट्रैक्टर को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके परिजनों ने बताया कि बीते 22 अगस्त को जब ट्रैक्टर के मालिक जयशंकर यादव के साथ उसका भाई जितेंद्र यादव द्वारा घर लौटने के दौरान उस पर जानलेवा हमला बोला गया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल अवस्था में ही उसे इलाज के लिए ग्रामीणों के सहयोग से पांकी सीएससी में लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने घायल चंचल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डाल्टनगंज अस्पताल रेफर कर दिया और फिलहाल चंचल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। चंचल के परिजनों ने बताया कि पांकी थाना में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चंचल के परिजनों ने यह भी कहा कि वन विभाग द्वारा भी समिति सदस्यों द्वारा जब्त वाहन व लकड़ियों को अपनी निगरानी में नहीं लिया गया है, जो उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पकड़ की गई इनको, ये जंगल का मुखिया जी चुने हुए थे गाँव में 8-10 लोगों का, ठीक ना, इन लोग जंगल में बचाव के लिए गए थे तो साथ में ट्रैक्टर और बोटा पकड़े हुए थे। वो बोटा लांग करके गांव में रखा हुआ है। वो ट्रैक्टर और गोटा किसका? कौन? शंकर यादव जी। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो वहाँ के बाद वहाँ इन लोग मारपीट किए थे उनके साथ। उनको जंगल से रोकवाए थे, वो बहुत बार बार बेच के परिख चुका था, ठीक नहीं, इसी विषय में उस समय से लांग के रखा हुआ था। उसी मकसद को लेकर के बोला कि आज बेटा तू पकड़ा ले, और जैसे उसके ऊपर वार किया। ये जब उनके गार्जियन के पास गए कहने कि नहीं तो बेटा जो है इसकी मारा है, हमें बेटा साढ़ बना के रख लिया है, तो ननका यादव बोलते हैं कि नहीं से ननका यादव कौन हुए? उनके पिताजी जयशंकर यादव के पिताजी। तो ननका यादव बोलते हैं कि नहीं से मेरा बेटा तो घर पे है। तो हम लोग सोचे कि चलो जब उनका बेटा घर पे है तो मार के किया, चार आदमी को बतलाना जरूरी है क्योंकि वो बदल जाता है। ऐसी ऐसी घटना बहुत सारा करके रखा हुआ है। इसके दो दिन पहले मेरा भाई को भी मार किया था जयशंकर यादव। इनको मारने से 10-15 मिनट पहले भी गांव लोगों को मारपीट किया था। गांव वालों को भी दौड़ा रहा था। जब हम लोग टेढ़ा बिल चौक बोलते हैं वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो बोलता है ये मेरा बाप का राज है। थाना प्रशासन क्या कर लगा, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक ना। इनका क्या नाम हुआ? इनका नाम चंचल यादव। कितना इनका लड़का है? 3 बच्ची है, 1 छोटा सा बच्चा है, 1 बच्चा अभी। डॉक्टर क्या कहा इनके विषय में? डॉक्टर बोले कि स्थिति बिल्कुल नाजुक है, ब्लड का आवश्यकता है अर्जेंट में, जो कि हम लोग पास नहीं हो पा रहा, पैसा का भी स्थिति बिल्कुल नाजुक है, बरसात में सब लोग टूटे हुए हैं पैसा। कौन कौन मारने में शामिल थे? अकेले थे और कोई थे? चार आदमी थे, जयशंकर यादव और ये क्या बोलते हैं जितेंद्र यादव, दोनों लाठी से वार किए। और नीरू यादव क्या किए? नीरू यादव पटक करके मारने लगे, उसके बाद तीनों चारों जो है उसकी दौड़ करके इसके ऊपर वार किए। और जब बात जब हम बोलते हैं उनको, उन लोग के पास, उन लोग हम ही लोग और जो है इसकी डरा धमकाव करता है।